हेलो, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू बच्चों। हम लोग टॉपिक जो कर रहे थे वो था पीरियोडिक प्रॉपर्टीज, और आप लोगों का जो पीरियोडिक प्रॉपर्टीज टॉपिक है वो कम्प्लीटली ख़त्म हो चुका है। प्रीवियस दो क्लास में हम लोग क्वेश्चंस किए थे, ठीक है। तो आज हम ये सोचे कि चलो कुछ क्वेश्चंस हम प्रैक्टिस कराते हैं, क्योंकि पिछला दो क्लास हम लोग का है ना, आप लोग क्वेश्चंस कर रहे थे वो हम कम्प्लीटली है ना, जो हम लोग का लॉजिक था वो सॉरी जो कम्प्लीटली हम लोग क्लास अटेंड किए थे उसमें हम लोग क्वेश्चन सीखे थे। तो कुछ बच्चों का डाउट आ रहा था, जस्ट एज सेकेंड आइस एंथैल्पी, किसी बच्चे को प्रॉब्लम था कि विच वन इज आइसोइलेक्ट्रॉनिक, इन सारे पॉइंट्स में बच्चों को डाउट हो रहा था। तो आज हम लोग करा यही करेंगे कि उस टाइप्स के कुछ क्वेश्चंस कर लेंगे। फॉर एग्जांपल आइसोइलेक्ट्रॉनिक्स के क्वेश्चंस करेंगे, कुछ साइज के क्वेश्चन करेंगे, कुछ आयन्स एन्थैल्पी का क्वेश्चन करेंगे, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का क्वेश्चंस करेंगे, कुछ ये देखेंगे कि किस कौन सा सॉरी एसिडिक ऑक्साइड है, कौन सा बेसिक ऑक्साइड है, कौन सा न्यूट्रल है। इन सारे प्रॉपर्टीज को करते हुए हम लोग चैप्टर को बाइंड करेंगे, ठीक है। तो असाइनमेंट्स भी मिलेंगे आपको। असाइनमेंट्स का जो फॉर्मेट होगा ना, वो फर्स्ट असाइनमेंट आप लोगों को मिलेगा एक है ना रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चन, ठीक है, और शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस, वो आपको जो भी हम लोग ये क्लास अटेंड करेंगे उसके बाद मिल जाएगा। देन हम लोग एक असाइनमेंट फ्रेम करेंगे, वो कम्प्लीटली आपके है ना अकॉर्डिंग टू बोर्ड होगा, जहाँ पे फिलअप्स आएंगे, मैथ कॉलम्स होंगे एंड मल्टीपल चॉइस टाइप क्वेश्चंस होंगे। देन इस टाइप के क्वेश्चंस आपको इस चैप्टर से आते हैं, जहाँ पे आपको रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चन राइज होगा, जहाँ पे आपको शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस मिलेंगे। अपार्ट फ्रॉम दैट मैथ कॉलम, ठीक है ना, एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस या है ना ट्रू और फॉल्स के टाइप्स भी हो सकते हैं, ठीक है। तो इन टाइप्स के क्वेश्चंस को हम प्रैक्टिस करेंगे इन सॉरी इन असाइनमेंट्स, ठीक है। तो आज हम देखते हैं क्वेश्चंस के फॉर्म में, ठीक है। देखो जो फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन होगा वो उसमें होता है कैसे, हम लोग कन्फिगेशन किए हैं, हम लोग क्या किए कन्फिगेशन किए। हाँ, दूसरी चीज, जिन बच्चों का कन्फिगेशन में डाउट था कि कन्फिगेशन हम दो वे से किए थे, एक कितने एसपीडीएफ के बेसिस पे, एक के थे हम है ना ऐसे था 2A 2A 1 इस वाले कॉन्सेप्ट से किए थे। तो आज की क्लास के बाद हम लोग एक क्लास स्पेशली रखेंगे इसी पे, ऑन द बेसिस है ना हाउ टू डू इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगेशन। तो हम वहाँ पे ज़्यादा डीप नहीं जाएंगे, क्वांटम के कॉन्सेप्ट को हम लोग टच नहीं करेंगे, बस इतना बेसिक्स आपको बता देंगे कि किसी भी एटम में इलेक्ट्रॉन का फिलिंग कैसे होता है। नेक्स्ट क्लास दैट इज ऑन ट्यूजडे हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगेशन का ही कॉन्सेप्ट करेंगे। जिन बच्चों को आता है बेस्ट है, कोई दिक्कत नहीं है, ओके। अदरवाइज जिनको नहीं आता है उनके लिए वो क्लास थोड़ा सा ज़्यादा बेनिफिट होगा, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन वही ले रहे हैं, पीरियोडिक प्रॉपर्टीज में ऐसे क्वेश्चंस भी बनते हैं कि जो आपको है ना कन्फिगेशन के कॉन्सेप्ट के बेस्ड होगा, जो आपको कन्फिगेशन के कॉन्सेप्ट पे क्या होगा बेस्ड होगा। तो एक क्वेश्चन है, द नंबर ऑफ पेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन ऑक्सीजन, क्वेश्चन लिखो, द नंबर ऑफ पेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन ऑक्सीजन, द नंबर ऑफ पेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन ऑक्सीजन। तो ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी है 6, 16, 8 और 32, 6, 16, 8 and 32 ये ऑप्शन है। और एक क्वेश्चन था तो आईआईटी में आया हुआ 1995 में, मतलब तो उस समय भी ऐसा क्वेश्चन आता था आईआईटी में आया हुआ 1995 में कि नंबर ऑफ पेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन ऑक्सीजन, नंबर ऑफ पेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन ऑक्सीजन। अब देखो इस टाइप के क्वेश्चंस को करने के लिए आपको एसपीडीएफ वाला कॉन्फ़िगरेशन आना चाहिए, एसपीडीएफ वाला कॉन्फ़िगरेशन आपको आना चाहिए। देखो हम लोग कर रहे हैं पोल क्रिएट, जिसको आता है जल्दी से करो, पोल क्रिएट कर रहे हैं आप लोग, अपना अपना आंसर बताओ जल्दी से बताओ, पोल क्रिएट कर रहे हैं आप लोग, अपना आंसर जल्दी निकालो और जल्दी से बताओ, ठीक है। अब देखो, ठीक है, अब देखो क्वेश्चंस क्या था, ऑक्सीजन दैट इज ओ, ऑक्सीजन दैट इज ओ कितना होता है इसका 8, इसका क्या है एटॉमिक नंबर, ऑक्सीजन का 8 क्या है एटॉमिक नंबर, डाउट है तक। चलो कंफ्यूजन क्या करेंगे, 1s2 2s2 2p4 यही करोगे ना, जल्दी से बोलो डाउट है, 1s2 2s2 2p4 पता है ना, s के पास एक डब्बा और s के पास मैक्सिमम टेंडेंसी कितनी है दो इलेक्ट्रॉन की है, यहां पे क्या बोलोगे, s के पास एक डब्बा दो इलेक्ट्रॉन की मैक्सिमम टेंडेंसी है। देन पता है ना p के पास कितने डब्बे हैं, p के पास आपको पता है ना p के पास क्या है तीन डब्बा, p के पास क्या है तीन डब्बा है, तीन डब्बा में कितना इलेक्ट्रॉन है चार इलेक्ट्रॉन, कितना इलेक्ट्रॉन है चार इलेक्ट्रॉन। जिन बच्चों को इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगेशन आता है उनको पता होगा कि फर्स्ट ऑफ ऑल इलेक्ट्रॉन सिंगली फिल्ड होता है, फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होता है इलेक्ट्रॉन सिंगली फिल्ड होता है, एंड आफ्टर देन, एंड आफ्टर
देन यहाँ पे क्या होगा, पेयरिंग होगा, दैट इज यहाँ पे क्या होगा, पेयरिंग होगा। ये आपको पता होना चाहिए था, ये आपको पता होना चाहिए था, ठीक है। जो ही हम ये कॉन्फ़िगरेशन किए, ये किसके लिए था बच्चे, ये आपको 1s2 के लिए था, ये किसके लिए था 2s2 के लिए, ये किसके लिए था 2p4 के लिए। जब आप ये कॉन्फ़िगरेशन कर लोगे ना, तो आप देखो पेयर्ड, देखो तो यहाँ पे पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, और यहाँ पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, दो पेयर्ड इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, दो यहाँ पे है, और दो कहाँ पे, यहाँ पे। इट मीन्स इन ऑक्सीजन टोटल 6 इलेक्ट्रॉन इज पेयर्ड एंड 2 इलेक्ट्रॉन इज अनपेयर्ड। टोटल 6 क्या पेयर्ड है और दो क्या है अनपेयर्ड है। इट मीन्स जो मेरा आंसर है दैट इज नंबर ऑफ पेयर्ड इलेक्ट्रॉन वो कितना है 6। दैट इज ऑप्शन ए इज करेक्ट, दैट इज ऑप्शन ए इज करेक्ट। आई होप आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। बच्चे आप लोग टेंशन मत लो, जिसको ये वाला कॉन्फ़िगरेशन नहीं आता है हम लोग नेक्स्ट क्लास में ये वाला कॉन्फ़िगरेशन करेंगे। कुछ बच्चों का मैसेज आया था कि सर कॉन्फ़िगरेशन कॉन्फ़िगरेशन, बच्चे हम लोग आज आफ्टर दिस लेक्चर, ठीक है, हम लोग एक क्लास या हम लोग है ना आपको वीडियो बना के सेंड करेंगे, आप लोग खुद कर लेना ताकि मेरा एक क्लास बच जाए, ठीक है ना। आई होप आपको है ना नेक्स्ट टू नेक्स्ट है ना क्लास के पहले, नेक्स्ट क्लास के बाद आपको इसके वीडियो या उससे पहले हम आपको इस वाले पार्ट पे आपको वीडियो प्रोवाइड करवा देंगे, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन में डाउट है किसी को, फर्स्ट क्वेश्चन में किसी को डाउट नहीं है, चलो अच्छी बात है। एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन हम कर रहे हैं, एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन हम कर रहे हैं, ठीक है। ओके दूसरा क्वेश्चन है, जल्दी से क्वेश्चन लिखो, क्वेश्चन लिखो ना। Which of the following has maximum number of unpaired electron? Which of the following has maximum number of unpaired electron? Option A, option B, option C and option D. तो आपके पास Mg2 positive है, Titanium 3 positive है, और Vanadium 3 positive है, और Fe2 positive है. Fe2 positive है. Question क्या है? Which of the following has have maximum number of unpaired electron? Which of the following have maximum number of unpaired electron? Maximum number of unpaired electron. तो हम थोड़ा सा आपको help कर रहे हैं यहाँ पे। Z इसका 12 है, इसका Z क्या है? 12 है। Scandium, titanium, इसका Z कितना है? 21 है। Scandium है ना यार? 21, 22. Scandium, titanium, vanadium, Z equal to 23 and Z equal to 26. Z equal to 26. That is हम आपको इतना हेल्प कर दिए कि हम आपको हर एक एलिमेंट का एटॉमिक नंबर का आइडिया दे दिए, हर एक एलिमेंट का एटॉमिक नंबर का आइडिया दे दिए। अब इतना कर दिए, अब इतना आगे आप खुद कर सकते हो। इतना करने के बाद आगे आप लोग क्वेश्चंस को खुद कर सकते हो। जल्दी से करो, तो पूल क्रिएट कर रहे हैं, जल्दी से क्वेश्चन लिखो। मैक्सिमम नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन पूछा है, ऑप्शन आपके पास दिया हुआ है, ऑप्शन जल्दी से लिखो, हम पूल क्रिएट कर रहे हैं। आप लोग जल्दी से सॉल्व करो, जल्दी से सॉल्व करो इसको, ठीक है। देखो क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन क्या था, मैक्सिमम नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, ऑप्शन ए, हम हर एक को सॉल्व करते हैं, ठीक है। मैग्नीशियम, फर्स्ट ऑफ ऑल देखो मैग्नीशियम का क्या होता है, मैग्नीशियम 12 है, कितना मैग्नीशियम 12 है। क्या करो इसका कॉन्फ़िगरेशन, 1s2, 2s2, 2p6, 3s, कितना 2, देखो 3s2, डाउट है, देखो ना 2, 4, 4 और 6 कितना 10 प्लस 2 कितना 12। अब देखो हमको पूछा किसके बारे में, हमको पूछा Mg2 प्लस के बारे में, किसके बारे में पूछा है, Mg2 पॉजिटिव के बारे में। जब हम Mg2 पॉजिटिव के लिए करेंगे, इसका मतलब होता है बच्चे कि आप दो इलेक्ट्रॉन का लॉस कराओ, और प्लस चार्ज का क्या मतलब है, प्लस चार्ज क्यों क्रिएट होता है, जब इलेक्ट्रॉन का लॉस है, जब इलेक्ट्रॉन का क्या लॉस है बताओ, जब इलेक्ट्रॉन का लॉस है तो लॉस ऑलवेज फ्रॉम आउटसाइड, ऑलवेज फ्रॉम आउटसाइड। इट मीन्स हम इलेक्ट्रॉन का लॉस यहां से कराए, टू पॉजिटिव, इट मीन्स देयर इज अ लॉस ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन। आफ्टर लॉस ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन द कॉन्फ़िगरेशन बिकम्स 1s2, 2s2 एंड 2p6, एनी प्रॉब्लम? ओके, एंड यू कैन से दैट दिस इज द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ नियन, दिस इज द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ नियन। नियन क्या है, एक इनर्ट गैस है बच्चे, नियन क्या है, एक इनर्ट गैस है, एंड इनर्ट गैस के पास जो पेयर्ड इलेक्ट्रॉन क्या होता है, सारे पेयर्ड होते हैं यार, तो यहां पे अनपेयर्ड कितना है 0, यहां कितना अनपेयर्ड 0, एनी प्रॉब्लम? फर्स्ट ऑफ ऑल राइट द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ न्यूट्रल एटम, दैट इज ऑफ मैग्नीशियम, एंड हमको पूछा क्या है Mg2 पॉजिटिव, पूछा क्या है Mg2 पॉजिटिव, देयरफॉर हम क्या किए, दो इलेक्ट्रॉन का लॉस कराया, लॉस कहां से हुआ, आउटसाइड से, लॉस कहां से हुआ, आउटसाइड से। जब लॉस आउटसाइड से हुआ, इट मींस आफ्टर लॉस ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन द कॉन्फ़िगरेशन इज ऑफ
नियन, एंड नियन इज इनर्ट गैस, दैट इज ऑल इलेक्ट्रॉन्स आर इन पेयर्ड फॉर्म, ऑल इलेक्ट्रॉन्स आर इन पेयर्ड फॉर्म, इट मीन्स इट हैज जीरो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, इट हैज जीरो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन. ऑप्शन बी, ऑप्शन बी देखो क्या है, टाइटेनियम. फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, टाइटेनियम का ग्राउंड स्टेट का लिखो कॉन्फ़िगरेशन, क्या लिखो, टाइटेनियम का ग्राउंड स्टेट का कॉन्फ़िगरेशन कितना है, 22, कितना है 22. ओके, तो जल्दी से लिखो तो 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, then 3p6, then 4s2, कौन को कितना इलेक्ट्रॉन, अभी काउंट करो कितना इलेक्ट्रॉन है, 2, 4, 6, 10, 2, 12, 6, 18, 2, 20 हो गया. और 4s के बाद आता मेरे पास 3d, आफ्टर 4s मेरे पास जो ऑर्बिटल है वो कौन सा है, 3d. बच्चे जब 20 इलेक्ट्रॉन फील्ड कर चुके हो तो मेरे पास दो इलेक्ट्रॉन रिमेनिंग है, वो जो दो इलेक्ट्रॉन रिमेनिंग है वो कहां पे जाएगा, d वाले में, वो कहां पे जाएगा, d वाले में. जब देखो d वाले में चला गया और अब दिक्कत होगा आपको, हमको क्या बोला बच्चे कि 3 इलेक्ट्रॉन का लॉस कराओ, बिकॉज टाइटेनियम इज इन प्लस 3 फॉर्म, टाइटेनियम इज इन प्लस 3 फॉर्म. जब टाइटेनियम प्लस 3 के फॉर्म में है, इट मींस यहां से 3 इलेक्ट्रॉन का लॉस हुआ है, यहां से 3 इलेक्ट्रॉन का क्या हुआ, लॉस हुआ है. अब बताओ, लॉस इज ऑलवेज फ्रॉम आउटसाइड, लॉस इज ऑलवेज फ्रॉम आउटसाइड, द लॉस आउटसाइड से है, लॉस कहां से होगा, लॉस इज ऑलवेज फ्रॉम आउटसाइड, लॉस इज ऑलवेज फ्रॉम आउटसाइड, एंड द 4s ऑर्बिटल इज आउटसाइड, देखो तो n इक्वल टू 4 इज द आउटर मोस्ट सेल, n इज इक्वल टू 4 इज द आउटर मोस्ट सेल. अब बच्चे क्या करते हैं, आफ्टर कॉन्फ़िगरेशन वो जल्दीबाजी में क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन का लॉस यहां से करा देंगे, गलत बच्चे हैं, बिकॉज हम पढ़ चुके हैं इन केस ऑफ आयनस एंथैल्पी देयर इज अ लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव इलेक्ट्रॉन फ्रॉम आउटर मोस्ट सब सेल, सॉरी फ्रॉम आउटर मोस्ट सेल ऑफ एन आइसोलेटेड गैसेस एटम. इलेक्ट्रॉन का लॉस कहां से कराना, आउटसाइड से, कहां से कराना, आउटसाइड से. तो ये जो है वो आउटसाइड है, 4s का आउटसाइड है, तो करना है 3 इलेक्ट्रॉन का लॉस, कितने का करना लॉस, 3 इलेक्ट्रॉन का. जब 3 इलेक्ट्रॉन का लॉस करना है, दो इलेक्ट्रॉन का लॉस यहां से होगा, दो का लॉस क्या होगा, यहां से होगा, इसको डिस्टर्ब मत करो, ठीक है. हम 4s से लॉस करा दिए, और चलो पहले लिख ही देते हैं, कंफ्यूज कर जाओगे, चलो लिखते हैं. देखो तो आप बच्चे यहां तक बोल सकते हो ना, ये जो कॉन्फ़िगरेशन है इतना आप कियोगे, ये कॉन्फ़िगरेशन आर्गन का है, देखो तो ये किसका कॉन्फ़िगरेशन है, आर्गन का, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, दिस इज द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ आर्गन. आर्गन क्या है, इनर्ट गैस है, क्या है, इनर्ट गैस है, इनर्ट गैस कंप्लीटली स्टेबल है बिकॉज ऑफ फुली फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल, बिकॉज ऑफ फुली फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल, ठीक है. अब देखो, अब जब लॉस कराया, लॉस कौन कराया, पहले कौन किया, बाहर से, बाहर 4s है, यहां से लॉस कराओ, देन एक और लॉस कराना है, कहां से कराएंगे, 3d. जब 3d में दो इलेक्ट्रॉन था, एक का लॉस कर चुका है, रिमेनिंग कितना है, 1, दैट इज इट हैज 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, दैट इज इट हैज 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन. हम तुरंत इसी बेसिस पे हम लोग करेंगे वैनेडियम को, दैट इज 23 है. देखो सिंपल सा यार, वैनेडियम कितना है, 3+, बस यहीं से देखो, टाइटेनियम 22 था, टाइटेनियम 22 था, यहां पे कितना है, 3d 2, अब कितना हो जाएगा, 3d 3, अब भी चार्ज कितना है, प्लस 3, इट मींस अब भी लॉस कहां से होगा, पहले 4s से, पहले कहां से होगा, 4s से, दो का लॉस कराओ, 3 का लॉस कराना है, फिर से कहां पे आ जाओगे, d के पास कितना था, अरे ऐसे लिख लो ना यार, आयरन का कॉन्फ़िगरेशन है ना, 4s2 3d 3, 3 का लॉस कराना है, पहले कहां से लॉस कराओगे, पहले कहां से लॉस कराए, 4s से, दो का लॉस करा दो, देन एक कहां से कराएंगे, क्या बनेगा, 3d2, दैट इज इट हैज 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, इट हैज 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन. अब बच गया मेरे पास आयरन, Fe, क्या बच गया, आयरन, आयरन कितना होता है, 26, इसी वजह से चलो आर्गन तक हम 3p6 भर चुके हैं, देन 4s2 कितना हो गया, 80+2, 20, रिमेनिंग कितना है, 6, कितना रिमेनिंग है, 6, दैट इज 3d6, लॉस इज ऑलवेज फ्रॉम आउटसाइड, तो आउटसाइड ऑर्बिटल 4s दो लॉस करा दो, बस जो ही लॉस कराए मेरे पास आ गया 3d6, मेरे पास क्या आ गया, 3d6. अब ये मत बोलना कि वहां पर 6 अनपेयर्ड है, 6 अनपेयर्ड बिकॉज d के पास 5 ऑर्बिटल है, 1, 2, 3, 4, 1, देखो 6 है, तो क्या बोलते बच्चे,
पहले सिंगली फील्ड, एक दो तीन चार पांच, एक एक क्या, देन क्या करते हैं पेयरिंग, देन क्या करते हैं पेयरिंग। अब देखो कि आयरन में ये वाला जो है ये कंप्लीटली फील्ड हो चुका है ना, ये क्या हो चुका है कंप्लीटली फील्ड, ये कंप्लीटली फील्ड है और ये चारों बचा हुआ है, ये चारों क्या है बचा हुआ है। जब चारों बचा हुआ है दैट इज यहां पे जो मेरे पास अनपेड इलेक्ट्रॉन है उसका नंबर कितना है फोर, कितना नंबर उसका फोर, कितना नंबर है फोर। इट मीन्स आफ्टर कन्फिगेशन जो चार्ज आपको वहां पे है उस चार्ज के लिए आप लोग इलेक्ट्रॉन का लॉस कराओ, लॉस कराने के बाद देख लो कि उसके पास कितना अनपेड है। इट मीन्स जो मेरा ऑप्शन था डी ऑप्शन इज करेक्ट, डी ऑप्शन इज करेक्ट। बच्चे इस टाइप के क्वेश्चंस आपसे फ्रीक्वेंटली होने चाहिए बिकॉज इफ यू हैव कंप्लीट आइडिया ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देन यू मस्ट हैव आइडिया ऑफ दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन, दैट इज हाउ मच पेयर्ड हाउ मच अनपेयर्ड, इस टाइप क्वेश्चंस आपको पूछ सकते हैं, फ्रीक्वेंटली ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तो जल्दी से देखो बच्चे कोई डाउट तो नहीं है किसी को, ठीक है। अब हम थोड़ा सा आते हैं क्वेश्चंस कैसे एटॉमिक साइज वाले, बच्चे साइज आप लोगों को आता है, साइज के क्वेश्चन आप लोगों को आते हैं, इसमें किसी को भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ओके, एटॉमिक साइज के क्वेश्चंस आपको आते हैं, जहां तक मेरा कॉन्सेप्ट है आपको आता होगा। चलो तभी प्रैक्टिस करते हैं, एटॉमिक साइज का क्वेश्चन जल्दी से करो, बहुत क्वेश्चन किए हुए हैं। क्वेश्चन लिखो, अरेंज अरेंज Mg2 पॉजिटिव O2 नेगेटिव Na पॉजिटिव F नेगेटिव और Mg3 नेगेटिव। अरेंज एलिमेंट का नाम लिखो, आयंस Mg2 पॉजिटिव O2 नेगेटिव Na पॉजिटिव F नेगेटिव एंड M3 नेगेटिव एंड M3 नेगेटिव इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ आयनिक साइज, इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ आयनिक साइज, इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ आयनिक साइज। ये भी आपको क्वेश्चन IIT 1999 में था, IIT 1990 में ये क्वेश्चन था जहां पे आपको इन सारे आयंस का एटॉमिक साइज का ऑर्डर बताना था, इन सारे आयंस के एटॉमिक साइज का ऑर्डर आपको बताना था। तो आप लोग तुरंत कर सकते हो, एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन हम लोग कराए हैं आपको जब हम एटॉमिक साइज के कॉन्सेप्ट को क्लास में करा रहे थे। देखो पहले बोले, जब भी आपको कभी रैंडम एटम आ जाए या आयंस आ जाए, जब कभी भी आपको किसी आयंस के एटॉमिक साइज में आपको ऑर्डर लिखने के लिए बोले, फर्स्ट ऑफ ऑल आपके दिमाग में ये चीज आना चाहिए कि यहाँ पे आइसो इलेक्ट्रॉनिक का कॉन्सेप्ट देखा जाना चाहिए, यहाँ पे आइसो इलेक्ट्रॉनिक का कॉन्सेप्ट देखा जाना चाहिए। यदि आइसो इलेक्ट्रॉनिक का कॉन्सेप्ट आप देखोगे, ठीक है, देखो अदरवाइज जनरल कॉन्सेप्ट हम लोग कर चुके हैं, अलोंग द ग्रुप साइज इंक्रीज करता है, अलोंग द पीरियड साइज डिक्रीज करता है, ग्रुप में साइज इंक्रीज इसलिए करता है क्योंकि वहां पे न्यूक्लियर चार्ज डिक्रीज करता है, नंबर ऑफ सेल इंक्रीज करता है, और पीरियड में साइज डिक्रीज इसलिए करता है क्योंकि वहां पे न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज करता है बट नंबर ऑफ सेल रिमेंस कांस्टेंट होता है। ये आइडिया हम लोग बेसिक लेवल पे लिए हुए, ठीक है, बट फॉर दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस हम वहां पे ये बता चुके थे, कैटायन इज ऑलवेज स्मॉलर देन इट्स न्यूट्रल एटम एंड अनायन इज ऑलवेज बिगर देन इट्स न्यूट्रल एटम, लॉजिक्स बता चुका था, बिकॉज इन केस ऑफ कैटायन इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज दैट इज न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज कर जाता है, बट इन केस ऑफ अनायन, बट इन केस ऑफ अनायन न्यूक्लियर चार्ज डिक्रीज कर सकता है। तो बोथ लेवल के क्वेश्चंस हैं, व्हाई कैटायन इज स्मॉलर देन इट्स न्यूट्रल एटम एंड व्हाई अनायन इज बिगर देन इट्स न्यूट्रल एटम, इस टाइप क्वेश्चंस आपको बोर्ड में फ्रेम किए जाएंगे बच्चे, ठीक है, इस पे भी फोकस, ऐसा नहीं कि बस क्वेश्चन कर लिए, ठीक है। तो आप जो असाइनमेंट मिलेगा वो रीजनिंग बेस्ड असाइनमेंट होगा, हम कंप्लीटली आप लोगों का सॉल्व किया हुआ देखेंगे, ठीक है। देखो क्या करना है, तो क्या बोले, पहला जो चीज आपके दिमाग में स्ट्रक करना चाहिए कि यहाँ पे आइसो इलेक्ट्रॉनिक हो सकता है, चेक करते क्या देखेंगे, आइसो इलेक्ट्रॉनिक हो सकता है। तो हम क्या किए, इलेक्ट्रॉन और निकाले प्रोटोन, क्या निकाले, इलेक्ट्रॉन और प्रोटोन। पता है प्रोटोन क्या होता है, प्रोटोन क्या होता है बच्चे, प्रोटोन क्या होता है एटॉमिक नंबर, प्रोटोन क्या होता है एटॉमिक नंबर, क्या होता है एटॉमिक नंबर। आप हर एक एलिमेंट के एटॉमिक नंबर को पता करो, पीरियोडिक टेबल कर चुके हैं, मैजिक नंबर कर चुके हैं,
बता चुके हैं एलिमेंट याद रखने का तरीका, बता चुके हैं आप लोग नहीं किए होंगे, पता है हमको, हम बोल चुके थे आपको A4 साइज पेपर पे जितने एलिमेंट्स को मैंने आपको बताया था उतने कम से कम आप याद कर लो, बेस्ट वे है इस चैप्टर पे। और इसके बाद जो हम लोग चैप्टर स्टार्ट करेंगे दैट इज केमिकल बॉन्डिंग, वहां भी आपको इसके आइडिया होने चाहिए, ठीक है। 12 बिकॉज 12 इज द एटॉमिक नंबर ऑफ मैग्नीशियम, 8 बिकॉज ऑफ एटॉमिक नंबर सोडियम, 11 फ्लोरीन, 9 नाइट्रोजन, 7 एनी डाउट यहां तक? चलो अब क्या करना है, लॉस या गेन के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉन्स लो, लॉस ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन बिकॉज ऑफ 12, 2 का लॉस रिमेनिंग कितना 10, ऑक्सीजन 10, सोडियम भी 10, ये भी 10 और ये भी 10, दैट इज दिस आयंस आर आइसोइलेक्ट्रॉनिक इन नेचर, दीज आयंस आर आइसोइलेक्ट्रॉनिक इन नेचर, इट मींस फॉर आइसोइलेक्ट्रॉनिक एटम, इट मींस फॉर आइसोइलेक्ट्रॉनिक एटम जो साइज का ऑर्डर होता है दे आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ प्रोटोन, दे आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ प्रोटोन, इट मींस आप प्रोटोन का नंबर चेक करो और जहां पे प्रोटोन का नंबर ज्यादा है उसके एटॉमिक साइज क्या होंगे, स्मॉल होंगे, क्या होंगे, स्मॉल होंगे। इट मींस मैग्नीशियम 2 पॉजिटिव का साइज सबसे लोएस्ट होगा, हमको क्या बोला डिक्रीजिंग, अच्छे क्वेश्चन क्या था, डिक्रीजिंग या इंक्रीजिंग, क्वेश्चन था मेरे पास राइट, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ आयनिक साइज, राइट डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ आयनिक साइज, इट मींस डिक्रीज कराना है, तो जिसका साइज सबसे बड़ा N3 माइनस का साइज सबसे बड़ा बिकॉज ऑफ लेस नंबर ऑफ प्रोटॉन, देन O2 नेगेटिव, देन O2 नेगेटिव, देन F नेगेटिव, देन Na पॉजिटिव, एंड लास्ट वन इज Mg2 पॉजिटिव, लास्ट वन इज Mg2 पॉजिटिव, ये आपको डिक्रीजिंग ऑर्डर में आयनिक रेडियस का साइज है, आयनिक रेडियस का ऑर्डर है, सॉरी आयनिक रेडियस का ऑर्डर है, कोई डाउट यहां तक? तो क्वेश्चंस आपके अकॉर्डिंग होना चाहिए, इन्हें कि हम सॉल्व किए वो बच्चे गलत मेथड है, आप सॉल्व करो बेनिफिट है, हम क्वेश्चंस बहुत कर चुके हैं तो ये आप पे डिपेंड करता है आप कितने क्वेश्चंस को लगा रहे हो, ठीक है, कोई डाउट यहां तक, किसी को कोई डाउट है इस क्वेश्चन में, डाउट नहीं है, अगला क्वेश्चन आप खुद करोगे, अगला क्वेश्चन आप लोग खुद करोगे, बस देखो माइंड में लॉजिक करो, प्रैक्टिस करो, रट्टा मत लगाओ, प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस करते करते आपको उस टॉपिक पे कंप्लीट कमांड हो जाएगा, प्रैक्टिस करते करते आपको उस टॉपिक पे कंप्लीट कमांड हो जाएगा, जहां तक मेरा चलो देखो एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन है नेक्स्ट वन, आप लोग खुद करोगे, अरेंज Arrange the following in increasing order of radius. Arrange the following in increasing order of ionic radius. Their radius. Arrange the following in increasing order of ionic radius. जल्दी से इस क्वेश्चन को करो. जल्दी से आप इस क्वेश्चन को करो, आपके पास एक मिनट का टाइम है, खुद से दिमाग लगाओ, खुद से दिमाग लगाओ कि इन एटम्स में क्या रिलेशन है, इनके साइज में क्या रिलेशन है, हो गया अच्छे। आपका ये जो क्वेश्चन है ये भी आई थिंक आया हुआ आईआईटी में, ये आपको आईडी 1997 का क्वेश्चन, 1997 का क्वेश्चन, और आप लोग कैपेबल हो इस टाइप के क्वेश्चन को करने में, यू ऑल आर कैपेबल, ओके। तो अटेम्प्ट किसे करना है, फिर से हम क्या बोलेंगे, आइसोइलेक्ट्रॉनिक बोल सकते हैं, बोले इनमें से कोई कोई आयंस हो सकता है, लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल देखो रैंडम एटम चूज किया गया, लिथियम है, मैग्नीशियम है, सोडियम है, एल्यूमिनियम है, एक रैंडम चॉइस है, तो फिर से दिमाग में आपको आइसोइलेक्ट्रॉनिक आएगा, कोई दिक्कत नहीं आना चाहिए कोई दिक्कत नहीं है, बट आप देखोगे ना लिथियम सेकेंड पीरियड में है, लिथियम कहां पे, सेकेंड पीरियड में, मैग्नीशियम एंड एल्युमिनियम इज इन थर्ड पीरियड, इज इन थर्ड पीरियड, एंड पोटेशियम इज इन फोर्थ पीरियड, इतना आइडिया है, देखो ना मेरे पास सेकेंड पीरियड, थर्ड
थर्ड पीरियड एंड फोर्थ पीरियड। सेकेंड पीरियड में मेरे पास लिथियम है, थर्ड पीरियड में आपका आता है ना पहले है ना सोडियम है, देन मैग्नीशियम है, देन एल्युमिनियम, थोड़ा सा एक रैंडम क्लिक करो, रैंडम आइडिया है कि, और फोर्थ में यहाँ क्या आता है पोटेशियम, फोर्थ में क्या आता है पोटेशियम। अब देखो यहां से इतना आपको आइडिया आ गया, इतने करने के बाद आपको इतना आइडिया आ गया होगा बच्चे कि इन दो में आइसोइलेक्ट्रॉनिक का कॉन्सेप्ट हम यूज कर सकते हैं, कोई डाउट नहीं। ठीक है, मैग्नीशियम और एल्युमिनियम में हम लोग आइसोइलेक्ट्रॉनिक का कॉन्सेप्ट यूज करेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, यहां तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट इसमें और इसमें और इसमें हम आइसोइलेक्ट्रॉनिक का कॉन्सेप्ट यूज नहीं कर सकते, बिकॉज ये पीरियड्स डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप में, सॉरी डिफरेंट डिफरेंट पीरियड में, डिफरेंट डिफरेंट पीरियड में। तो क्या करें, तो क्या करेंगे, थोड़ा सा यहाँ पे ना ये क्वेश्चन थोड़ा सा एक्सेप्शनली बिहेव करता है। क्यों करता है, एक्सेप्शनली बिहेव क्यों करता है समझना। देखो एक कॉन्सेप्ट क्या है ना कि पीरियोडिक टेबल में हम आपको है ना फर्स्ट क्लास में एक पीडीएफ प्रोवाइड करवाए थे, आप लोग नहीं किए होंगे पता है हमको, वहां पे हम ये चीज बोले थे ना कि कुछ एलिमेंट बिहेव करते हैं एग्जैक्टली सेम, एग्जैक्टली सेम, बट जबकि वो डिफरेंट डिफरेंट पीरियड में लाइक करते हैं, डिफरेंट डिफरेंट पीरियड में लाइक करते हैं, बट उनका नेचर नियरली सेम होता है, बट नॉट एग्जैक्टली, नियरली क्या होता है सेम होता है। फॉर एग्जाम्पल समझना इस चीज को, सेकेंड पीरियड का एलिमेंट है और थर्ड पीरियड का एलिमेंट है, आप पहले तो ना पहले क्या है लिथियम, देन क्या है मैग्नीशियम, देन क्या है क्या क्या लिखते हैं लिथियम है, देन बेरिलियम, देन क्या है बोरोन, पता है, देन क्या होता है और उनके बाद कार्बन, यहाँ क्या होता है सोडियम, यहाँ क्या है मैग्नीशियम, यहाँ पे क्या है एल्युमिनियम, यहाँ पे क्या है सिलिकन, यहाँ पे क्या है सिलिकन। तो ये देखा गया बच्चे, तथा हम नहीं करेंगे, लिथियम और मैग्नीशियम की प्रॉपर्टी बराबर होती है, और बेरिलियम और एल्युमिनियम की प्रॉपर्टी भी क्या होती है बराबर होती है, क्या होती है बराबर होती है। तो यहां से आप ये चीज बोल सकते हो ना बच्चे, यहां से आप ये चीज बोल सकते हो, देखो हम क्या बोले लिथियम एंड मैग्नीशियम नियरली बिहेव सेम, और बिकॉज सॉरी और द प्रॉपर्टी ऑफ लिथियम एंड मैग्नीशियम आर नियरली सेम, आर नियरली सेम। वैसे क्या बोलेंगे, द प्रॉपर्टी ऑफ बेरिलियम एंड एल्युमिनियम आर नियरली सेम, द प्रॉपर्टी ऑफ बोरोन एंड सिलिकॉन आर नियरली सेम, नियरली सेम। तो इसके पीछे का बच्चे रीजन ये है ना, बिकॉज दे आर डायगनली ऑपोजिट टू इच अदर। अब ये रीजन देखो, रीजन कुछ और है, बिकॉज जो है ना पोटेंशियल सब बोलते हो ना कि चार्ज डेंसिटी, चार्ज डेंसिटी दोनों की बराबर होती है, नियरली बराबर होती है, दैट इज चार्ज बाय साइज, चार्ज बाय साइज। और हर प्रॉपर्टी को इस कंप्लीट चैप्टर में मैंने हर प्रॉपर्टी को अकॉर्डिंग टू साइज ही किया है, यदि आप लोगों को पता होगा तो, यदि आप लोगों को पता होगा इस चैप्टर में मैक्सिमम कॉन्सेप्ट्स को हम एटॉमिक साइज से ही किए हैं। तो क्या बोलता है ना, इन दोनों की साइज में नियरली सेम प्रॉपर्टी है, नियरली सेम साइज मतलब एग्जैक्टली नहीं बट नियरली सेम है। और वैसे क्या इनकी इनकी क्या होता है साइज, इनका साइज क्या होता है नियरली सेम होता है। ठीक है, तो समझो जब साइज नियरली सेम है तो इनकी मोस्ट ऑफ द प्रॉपर्टी क्या होती है सिमिलर होती है। लिथियम और मैग्नीशियम की नियरली प्रॉपर्टी क्या होती है बराबर होती है, बेरिलियम और एल्युमिनियम की प्रॉपर्टी क्या होती है बराबर होती है, बिकॉज दे आर डायगनली ऑपोजिट टू इच अदर, बिकॉज दे आर डायगनली ऑपोजिट टू इच अदर एंड दे हैव सेम चार्ज डेंसिटी, एंड दे हैव सेम चार्ज डेंसिटी। तो हम ये लिख सकते ना property of element are nearly same which is present at diagonal position, because of nearly same charge density, but इतना है ना आपको नहीं जानना है, बस इतना याद रखना कि बस कम से कम इस दो पेयर के बारे में पता रखना, लिथियम मैग्नीशियम एंड बेरिलियम और एल्युमिनियम की प्रॉपर्टी क्या बराबर है, because they are diagonally opposite to each other। ठीक है, हम पीडीएफ प्रोवाइड करवाए थे आप लोग नहीं पढ़े, इसलिए आप लोगों को डाउट नहीं आया, यदि आप लोग पढ़े होते तो आपको ये पॉइंट पता होना चाहिए था, आपको ये पॉइंट पता होना चाहिए था कि जो एलिमेंट्स डायगोनल पे होते हैं उनकी प्रॉपर्टी क्या होती है बराबर होती है। अब देखो इसी कॉन्सेप्ट का मैं यूज करेंगे,
और ये इसलिए अच्छा क्वेश्चन है क्योंकि यहाँ पे इसी कॉन्सेप्ट का यूज हुआ है। अब समझना, अब देखो हम क्या बोले, डायगोनल बिहेवियर इसमें है, डायगोनल कहाँ पे, लिथियम और मैग्नीशियम में, बट सोडियम क्या है, सॉरी पोटेशियम क्या है, सबसे नीचे, पोटेशियम क्या है, सबसे नीचे है। जब पोटेशियम सबसे नीचे है, इट मींस ये है कि पोटेशियम का साइज सबसे बड़ा होगा, पोटेशियम का साइज सबसे बड़ा होगा, इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम है, पोटेशियम का साइज सबसे बड़ा होगा, इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम है नहीं। चलो हम साइज का ऑर्डर यहां रखेंगे, बस समझो यहां से। अब देखो हम क्या बोल रहे, समझना अब इंपॉर्टेंट है, लिथियम और मैग्नीशियम डायगोनल पे, कहां पे, डायगोनल पे, और हम ये बोले ना कि इन दोनों की प्रॉपर्टी नियरली बराबर है, इन दोनों की प्रॉपर्टी क्या नियरली बराबर है, बिकॉज दे हैव नियरली सेम साइज, सॉरी नियरली सेम चार्ज डेंसिटी। जब बताओ, जब नियरली सेम साइज है, नियरली क्या है, सेम साइज है, इट मीन्स लिथियम और मैग्नीशियम की साइज नियरली बराबर है। अब बताओ जब लिथियम और मैग्नीशियम का साइज नियरली बराबर है, ठीक है, नियरली क्या है, बराबर है, बट लिथियम पे चार्ज कितना है, प्लस वन, लिथियम पे चार्ज कितना है, प्लस वन, बट एमजी पे चार्ज कितना है, प्लस टू, एमजी पे चार्ज कितना है, प्लस टू। और आपको हम ये बोल चुके हैं कि जब पॉजिटिव चार्ज का एक्सटेंट इंक्रीज करता है ना बच्चे, जब पॉजिटिव चार्ज का एक्सटेंट इंक्रीज करता है तो साइज डिक्रीज करता है, पॉजिटिव चार्ज का अमाउंट इंक्रीज करता है साइज क्या होता है, डिक्रीज करता है। हम आपको एग्जांपल दिए थे Fe2 पॉजिटिव और Fe3 पॉजिटिव, साइज किसका ज्यादा था, Fe2 पॉजिटिव का, बिकॉज चार्ज इंक्रीज करता है, न्यूक्लियर चार्ज इनके तो साइज क्या होता है, डिक्रीज करता है, साइज क्या होता है, डिक्रीज करता है। बोलोगे ना लिथियम और मैग्नीशियम में, लिथियम और मैग्नीशियम में साइज किसका बड़ा होगा, यहां पे चार्ज वन है, यहां पे चार्ज क्या है, टू है, पॉजिटिव चार्ज का एक्सटेंट इंक्रीज किया, साइज क्या होगा, डिक्रीज करेगा। क्लियर है, कॉन्सेप्ट कौन सा यूज किए, डायगोनल, डायगोनल पे है, साइज नियरली बराबर होगा, साइज नियरली बराबर है, देन हम क्या बोले, लिथियम और मैग्नीशियम का जब साइज नियरली बराबर था तो हम चार्ज बोले, इस पे चार्ज प्लस वन है, इस पे चार्ज प्लस टू है, बिकॉज ऑफ मोर चार्ज इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीजेस एंड साइज डिक्रीजेस, एंड साइज डिक्रीजेस। आई होप आपको समझ आया, ठीक है। फिर देखो अब बच गया एल्युमिनियम, बताओ Mg2 पॉजिटिव और Al3 पॉजिटिव में हम क्या बोलेंगे, दोनों आइसोइलेक्ट्रॉनिक है, क्योंकि इसके पास भी इलेक्ट्रॉन 10 है और इसके पास भी इलेक्ट्रॉन कितना है, 10 है। जब दोनों आपस में आइसोइलेक्ट्रॉनिक है, इसका ये मतलब है कि जहां पे प्रोटॉन ज्यादा है, यहां 12 प्रोटॉन है, यहां पे 13 प्रोटॉन है, जिसका प्रोटॉन ज्यादा है उसका साइज कम होगा, दैट इज एल्युमिनियम का साइज क्या होगा, कम होगा, Mg का साइज क्या होगा, बड़ा होगा। अब बताओ पोटेशियम सबसे बड़ा था, अब कौन आएगा, अब कौन आएगा, लिथियम, देन कौन आएगा, मैग्नीशियम, देन कौन आएगा, एल्युमिनियम, देन कौन आएगा, एल्युमिनियम। ये बच्चे बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस के, बहुत अच्छे क्वेश्चंस हैं, आपको समझ आया होगा, जहां तक मेरा सवाल है आपको समझ आना चाहिए। बस इतना याद रखना, जब भी आपको थोड़ा सा है ना लिथियम मैग्नीशियम बेरिलियम एल्युमिनियम में क्वेश्चंस को थोड़ा घुमा फिरा के दे, तो एक बार आपको दिमाग में डायगोनल रिलेशनशिप का कॉन्सेप्ट आना चाहिए। डायगोनल पे है तो उनकी प्रॉपर्टी बराबर है, प्रॉपर्टी बराबर क्यों है, बिकॉज दे हैव नियरली सेम चार्ज डेंसिटी रेशियो, और हम ये बोल सकते हैं बिकॉज दे हैव नियरली सेम साइज। देन हम कॉन्सेप्ट क्या लेके आए कि जब भी पॉजिटिव चार्ज का अमाउंट इंक्रीज करता है साइज डिक्रीज करता है, इट मींस द नेट ऑर्डर है के पॉजिटिव, देन Li पॉजिटिव, देन Mg2 पॉजिटिव एंड देन Al3 पॉजिटिव, दिस इज द करेक्ट order of atomic size, this was the correct order of atomic size, okay bachche, doubt hai kisi ko doubt hai, doubt nahi hai to hum log next question ki or move kar sakte hain, it means aapko ab size wale concept mein koi doubt nahi hona chahiye, aapko size wale concept mein koi doubt nahi hona chahiye, theek hai। ek question dekhte hain size ka, last question, ek question dekhte hain size ka, इसको लिख लियो। देखो एक क्वेश्चन है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, हम पहले बता चुके हैं आपको, देखो जल्दी से, एटॉमिक रेडियस ऑफ फ्लोरीन एंड आर्गन, फ्लोरीन एंड नियन करना, एटॉमिक रेडियस ऑफ फ्लोरीन एंड नियन, फ्लोरीन एंड नियन आर रिस्पेक्टिवली, फ्लोरीन एंड नियंस आर रिस्पेक्टिवली, ये ऑप्शन
एटॉमिक साइज ऑफ फ्लोरीन एंड नियंस आर रिस्पेक्टिवली। एटॉमिक साइज ऑफ फ्लोरीन एंड नियन, फ्लोरीन एंड नियन के एटॉमिक साइज आर रिस्पेक्टिवली। पहले भी क्वेश्चन किए बच्चे, जल्दी से क्वेश्चन लिखो, हम पोल क्रिएट करेंगे। जल्दी से क्वेश्चन लिखो, हम लोग पोल क्रिएट करेंगे, हम लोग पोल क्रिएट करेंगे। जल्दी से क्वेश्चन लिखो, ठीक है, ओके। तो आपका आंसर क्या है? देखो हम लोग बात किए फ्लोरीन और नियन की, हम आपको जब एटॉमिक साइज का कॉन्सेप्ट करा रहे थे ना, तो मैंने आपको एक चीज बोला था कि नोबल गैस का जो एटॉमिक रेडियस है वो अपने रिस्पेक्टिव पीरियड में सबसे ज्यादा होता है बिकॉज ऑफ वंडरवाल रेडियस, बिकॉज ऑफ वंडरवाल रेडियस। ये याद रखना पॉइंट, हम वहां पे इतना कंपेयर नहीं किए थे। इनर्ट गैस हैव मैक्सिमम एटॉमिक रेडियस, मैक्सिमम एटॉमिक रेडियस इन इट्स कोरस्पॉन्डिंग पीरियड बिकॉज ऑफ वंडरवाल, बिकॉज ऑफ वंडरवाल रेडियस। और जो वंडरवाल रेडियस है वो कोवलेंट रेडियस से ज्यादा होता है, जो वंडरवाल रेडियस है वो आपको कोवलेंट रेडियस से ज्यादा होता है। इस करके जो भी इनर्ट गैस है या जो भी नोबल गैस है उनका साइज अपने ग्रुप में या अपने पीरियड में मैक्सिमम होता है। तो ये क्वेश्चंस ना आपको बोर्ड में फ्रेम होते हैं कि व्हाई नियन हैविंग बिगर साइज देन फ्लोरीन, तो आपको यही बस क्या लिखोगे, बिकॉज ऑफ वंडरवाल रेडियस, बिकॉज इन केस ऑफ नोबल गैस देयर इज वंडरवाल रेडियस। वंडरवाल रेडियस क्या है, आई थिंक उस आपको यहां पर क्लास में बता दिया जाएगा। तो वंडरवाल रेडियस क्या होते हैं, बिकॉज वंडरवाल रेडियस क्या होता है ना कि वो नॉन बॉन्डेड फॉर्म में होता है बच्चे, जो होता है ना कि रेडियस का कांसेप्ट देखते हैं ना, तो कोवलेंट रेडियस सबसे छोटा होता है, देन मेटेलिक रेडियस, और जो सबसे बड़ा है वो क्या होता है, वंडरवाल रेडियस। किसी भी नोबल गैस या इनर्ट गैस की जब हम बात करते हैं तो वहां पे हमेशा क्या होता है, नोबल गैस सॉरी वंडरवाल रेडियस होता है। तो वंडरवाल रेडियस के कारण उसका एटॉमिक साइज अपने रिस्पेक्टिव पीरियड में सबसे ज्यादा होता है। इट मींस जो आपका ऑप्शन है ये ऑप्शन क्या होगा, करेक्ट होगा, बिकॉज फ्लोरीन पहले है, फ्लोरीन का साइज कितना है। देखो साइज निकालना हमारे सोच नहीं है, ये पॉइंट हम पिछले क्लास में डिस्कस कर चुके थे। कैलकुलेशन ऑफ एटॉमिक रेडियस इज नॉट आर इन आर सिलेबस, इवन दे आर नॉट इन +1 +2 सिलेबस। यू हैव ओनली क्वालिटेटिव आइडिया, ओके, नॉट क्वांटिटेटिव, कि हम कैसे निकाल रहे हैं उससे मतलब नहीं है, बट ये आप पता होना चाहिए कि किसका बड़ा है किसका छोटा है, ओनली इतना, ठीक है। तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें, ओके, आई होप आपको प्रॉब्लम नहीं है। तो ये सारे कॉन्सेप्ट थे मेरे है ना एटॉमिक साइज के सारे चीज है। तो हम अभी तक दो कॉन्सेप्ट किए, वन इज दैट इज नंबर ऑफ पेयर्ड अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, एंड सेकंड वन इज रेडियस। तो रेडियस के जो भी क्वेश्चंस मैंने आपको क्लास में कराए थे और जो भी क्वेश्चंस अभी कराए, यदि आप इतना कर लेते हो, इतना गारंटी बच्चे +1 लेवल के हर एक क्वेश्चंस को आप कर सकते हो, दैट इज दे आर कंप्लीटली विच इज रिलेटेड टू एटॉमिक साइज। जहां तक मेरा कॉन्सेप्ट है आपको मैंने हर टाइप के क्वेश्चन, देखो कुछ वगैरह एक्सेप्शन से उतना नहीं करेंगे, ठीक है, बट है ना 99% क्वेश्चंस आप +1 के आप लगा सकते हो, इफ यू हैव आइडिया ऑफ दिस मच कॉन्सेप्ट रिगार्डिंग एटॉमिक रेडियस आप कर सकते हो क्वेश्चंस को, नो प्रॉब्लम, ठीक है। अब हम लोग थोड़ा सा क्वेश्चन देखते हैं, दैट इज बेस्ड ऑन आयनाइजेशन एंथैल्पी, आयनाइजेशन एंथैल्पी। देखो हम लोग आयनाइजेशन एंथैल्पी किए थे, ठीक है, कितना क्या था, अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम आउटर मोस्ट सेल ऑफ एन आइसोलेटेड गैसेस एटम। बेसिक्स क्वेश्चन हम कर चुके थे, बेसिक्स क्वेश्चन में हम लोग ये भी कर चुके थे, हाफ फिल और फुली फिल का जो आयनाइजेशन एनर्जी होता है वो ज्यादा होता है अपने कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट से। आप कंप्लीट में कंपेयर नहीं मत करना, आपको कंप्लीट में कंपेयर नहीं करना है, आपको बस कंपेयर करना है ऑफ कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट, नॉट फ्रॉम ऑल ऑल एलिमेंट, ओके, बस जस्ट बगल वाले से कंपेयर करते हैं, क्या करते हैं, जस्ट बगल वाले से क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं। अब देखो हम क्या बोले, कुछ क्वेश्चंस देखो वहां पे ना एक कॉन्सेप्ट था जहां बच्चों को प्रॉब्लम हो रहा था प्रीवियस क्लास में, सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी क्या है,
जब कभी भी सपोज मेरे पास कोई एक आइसोलेटेड गैसेस एटम है ए, मेरे पास क्या है कोई आइसोलेटेड गैसेस एटम ए है, यहां से हम एक इलेक्ट्रॉन का लॉस कराए क्या बनता था ए प्लस, पता है यहां पे ई लिखते थे आप, इसको हम क्या बोलते आई ई, दैट इज आयनाइजेशन एनर्जी वन, क्या बोलते आई ई वन दैट इज आयनाइजेशन एनर्जी वन, ये हमको बोलते थे, बोलो डाउट क्या, ये क्या था आई ई वन आयनाइजेशन एनर्जी वन, ये हम इसको बोलते थे। सेकेंड हम क्या बोले, जब एक इलेक्ट्रॉन का लॉस कर चुका है, एक इलेक्ट्रॉन का लॉस कर चुका है, चार्ज कौन सा आ गया प्लस चार्ज, फिर से एक इलेक्ट्रॉन को लॉस कराया क्या बन गया ए टू पॉजिटिव, फिर से इलेक्ट्रॉन का लॉस किया तो इसको क्या बोलते हैं आई ई टू, क्या बोलते हैं आई ई टू, फिर से जाओ आई थ्री, फिर से जाओ आई फोर, ठीक है। तो सिंपली यदि आपको फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी का आइडिया है देन आप सेकेंड थर्ड फोर्थ कुछ भी कर सकते हो, बस कॉन्सेप्ट यह है कि जब भी इस टाइप के क्वेश्चंस को करते हो तो एक बार जरूर चेक किया करो कि कहीं हाफ फिल फुल फिल तो नहीं आ गया, कहीं हाफ फिल फुल फिल तो नहीं आ गया है, तो इस टाइप के क्वेश्चंस में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। देखो फर्स्ट दैट इज लॉस फ्रॉम आइसोलेटेड गैसेस सेटअप, जो फर्स्ट आइनस एनर्जी है उसमें क्या हो रहा है लॉस कहां से हो रहा है, किसी भी आइसोलेटेड गैसियस न्यूट्रल एटम से इलेक्ट्रॉन का हम लॉस करा रहे हैं। जब एक इलेक्ट्रॉन का लॉस करा दिए तो मेरे पास यूनि पॉजिटिव फॉर्म हो चुका है, मेरे पास एक कैटायन फॉर्म हो गया, उस कैटायन से अब इलेक्ट्रॉन को लॉस कराना है, उस कैटायन से अब इलेक्ट्रॉन को लॉस कराना है, तो अब कौन सा चार्ज होगा क्रिएट, अब टू पॉजिटिव, अब क्या होगा टू पॉजिटिव चार्ज क्या होगा बच्चे क्रिएट होगा, ठीक है। तो इतना ही कॉन्सेप्ट हम पे स्किप किए थे, अब हम क्वेश्चंस करते हैं जहां से आपको इन चीजों का आइडिया कंप्लीट आइडिया हो जाएगा, जहां से आपको इन चीजों का एक कंप्लीट आइडिया आपको हो जाएगा। देखो तो फर्स्ट क्वेश्चन है, तो सिंपल सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन है देखो व्हाई द फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी, व्हाई द फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ कार्बन एटम, व्हाई द फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ कार्बन एटम इज ग्रेटर देन दैट ऑफ बोरोन एटम, व्हाई द फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी, व्हाई द फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ कार्बन एटम इज ग्रेटर देन दैट ऑफ बोरोन एटम whereas the reverse is not true for second ionization energy, while the reverse is not true for second ionization energy। देखो क्वेश्चन क्या बोला कि फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी कार्बन का ज्यादा होता है बोरोन से, ये पूछा है, बट यदि हम सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी की बात करते हैं, जब हम वाइल द सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी बट क्या बोला वाइल द रिवर्स, क्वेश्चन क्या है while the reverse is true for second ionization energy, जो सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी है वो बोरोन का ज्यादा होगा किससे, वो क्या होगा बोरोन का ज्यादा होगा किससे कार्बन से, आई थिंक ये क्वेश्चन। देखो कार्बन और बोरोन कहां पे सेकेंड पीरियड में, कहां पे सेकेंड पीरियड में, आप बताए एलिमेंट लिथियम है, बेरिलियम है, बोरोन है, कार्बन है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, फ्लोरीन है और नियन था, यही था ना। हम क्या बोले इन पीरियड एज वी मूव लेफ्ट टू राइट, बच्चे ये क्या है लेफ्ट और ये क्या है राइट, इन पीरियड एज वी मूव लेफ्ट राइट एक्सटेंट ऑफ न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज किया था, जब एक्सटेंट ऑफ न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज किया था बच्चे, इसका ये मतलब है कि इलेक्ट्रॉन का लॉस डिफिकल्ट हुआ था, तो जो आयनाइजेशन एनर्जी है वो इंक्रीज किया था। बट जब भी आप लोग हम बोल चुके थे
जब कभी भी हम लोग पीरियड के क्वेश्चंस को करते हैं तो हम लोग एटॉमिक सॉरी हाफ फिल या फुली फिल वाले कॉन्सेप्ट को भी चेक कर लेते हैं, हाफ फिल और फुली फिल वाले कॉन्सेप्ट को भी चेक कर लेते हैं। देखो तो बोरोन क्या होता है, 1s2 2s2 2p1, इसका क्या होता है ऑटोमोस्ट क्या हो जाएगा 2p2, ऑटोमोस्ट क्या हो जाएगा 2p2। तो हाफ फिल फुली फिल नहीं है, हाफ फिल फुली फिल नहीं है, हाफ फिल फुली फिल नहीं है, इट मींस कार्बन राइट साइड है, बोरोन लेफ्ट साइड है, राइट वाले का ज्यादा आता किससे, लेफ्ट वाले से, इट मींस फर्स्ट आयनाइज एनर्जी का कॉन्सेप्ट सही, फर्स्ट कार्बन का ज्यादा होगा, बिकॉज इन केस ऑफ कार्बन द एक्सटेंट ऑफ न्यूक्लियर चार्ज इज मोर एज कंपेयर टू बोरोन, बिकॉज इन केस ऑफ कार्बन द एक्सटेंट ऑफ न्यूक्लियर चार्ज इज मोर एज कंपेयर टू बोरोन, आई होप पता है। चलो व्हाइल द रिवर्स इज ट्रू, व्हाइल द रिवर्स इज ट्रू फॉर सेकंड आयनाइज एनर्जी, मतलब समझो आप जो रिवर्स है, चलो हम कार्बन का लिखे, कार्बन जब एक कार्बन का ऑटोमोस्ट क्या था, कार्बन का ऑटोमोस्ट 1s2 2s2 2p2 था, एक का लॉस किया क्या बना हुआ 2p1, एक का लॉस बना हुआ 2p1, फर्स्ट ये क्या है, फर्स्ट ये क्या है, फर्स्ट मतलब अब यहां प्लस चार्ज क्रिएट हुआ, मतलब जब कार्बन पे प्लस चार्ज क्रिएट हुआ ना बच्चे, तो इस समय इसका कॉन्फ़िगरेशन था 1s2 2s2 2p1, यही था ना, यहां से निकालो, इट मींस हम इलेक्ट्रॉन कहां से निकाल रहे हैं 2p1 से, कहां से निकाल रहे हैं बच्चे 2p1 से, तो 2p1 ना तो हाफ फिल्ड है ना तो फुली फिल्ड है, ना तो हाफ फिल्ड है ना तो फुली फिल्ड है, इट मींस यदि हमको बोलेगा ना सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ कार्बन, इट मींस फर्स्ट कहां से निकाले, फर्स्ट कहां से निकाले 2p2 से, सेकंड कहां से निकाल रहे हैं 2p1 से, कहां से निकाल रहे हैं 2p1 से, यहां तक क्लियर है। बट अब करना बोरोन का, तो बच्चे बोरोन का क्या होता है 1s2 2s2 2p1, फर्स्ट निकाले क्या बन गया बी पॉजिटिव, क्या कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 1s2 2s2, बट अब जब बोरोन पे प्लस चार्ज क्रिएट हो गया, बोरोन पे प्लस चार्ज क्रिएट हो चुका है, तो इसका क्या बना कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2, क्या बना 1s2 2s2। अब इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए तुम गए, अब जब तुम इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जाओगे तो अब देखोगे कि अब जो हम इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हैं बच्चे, वो हम कहां से निकाल रहे हैं, वो हम निकाल रहे हैं 2s2 से, कहां से निकाल रहे हैं 2s2, और 2s2 जो कॉन्फ़िगरेशन है वो किसका होता है, 2s2 जो कॉन्फ़िगरेशन है वो किसका है कॉन्फ़िगरेशन, एक फुली फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन है, एक फुली फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन। देखो यहां 2p1 है बच्चे, 2s2 है, अब मत बोलना कि बगला नहीं है, जब एक इलेक्ट्रॉन का लॉस करा चुके हैं, देखो ना दिमाग लगा ले, जब एक का लॉस करा दिया तो बोरोन कार्बन से एक का लॉस कराया, अब कार्बन बोरोन बन चुका है, जब बोरोन से तुम एक का लॉस कराया कि बेरिलियम बन चुका है, और हम पहले बोल चुके हैं बेरिलियम का ज्यादा तक इससे बोरोन से, बिकॉज बेरिलियम 2s2 होता है और बोरोन 2p1 होता है, ठीक है। तो इसका यह मतलब हुआ, जब एक देखो फिर से बता रहे एक का लॉस क्या बन गया 2p1, अब हम इलेक्ट्रॉन कहां से निकाल रहे हैं 2p1 से, कहां से निकाल रहे हैं 2p1 से, ओके बट यहां पे हम कहां से निकाल रहे हैं 2s2 से, ये हाफ फुली फिल्ड है, और ये ना तो हाफ फिल ना तो फुली फिल, बिकॉज ऑफ फुली फिल कॉन्फ़िगरेशन सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ बोरोन इज मोर देन कार्बन, और बोरोन इज मोर देन कार्बन, बहुत बेसिक सा कॉन्सेप्ट है, ऐसा नहीं कि आपकी बुक नहीं करोगे, करना है, क्योंकि आपको यदि फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी का कॉन्सेप्ट पता है तो सेकंड भी पता होना चाहिए, कोरिलेटेड कॉन्सेप्ट है, ऐसा नहीं कि नया कॉन्सेप्ट हम लेके आ गए, कोरिलेटेड कॉन्सेप्ट है आप, क्योंकि आपके सिलेबस में जो हाफ फिल फुली फिल्ड है वो दिया हुआ है, देन आपको ये भी समझना पड़ेगा, पड़ेगा क्या आता है आपको, कोई डाउट है, ठीक है, क्वेश्चंस करोगे और भी क्लियर होगा। इट मींस जो कॉन्सेप्ट था कि जो फर्स्ट आयनाइज एनर्जी है वो कार्बन का ज्यादा किससे, बोरोन से, व्हाइल द रिवर्स इज ट्रू फॉर, व्हाइल द रिवर्स इज ट्रू फॉर सेकंड आयनाइज एनर्जी, ये बस हमको एक्सप्लेन करना था, सब्जेक्टिव लेवल का क्वेश्चन आता था पहले आईटी में, ये आईटी आई थिंक 1987 का, सॉरी 1987 का क्वेश्चन है, IT 1987 का क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये आपका कॉन्सेप्ट था, और भी हम क्वेश्चंस करेंगे, आई दिमाग मत लगाओ, डर मत जाओ कि नहीं होगा, ये तो क्वेश्चन सभी और करेंगे कॉन्सेप्ट पे, लेकिन आपको कंप्लीट कमांड हो जाएगा, लेकिन आपको कंप्लीट कमांड हो जाएगा इस पे, कोई दिक्कत नहीं है, चलो ठीक है। देखो ऐसा तो डाउट है किसी को, बेटा देखो जल्दी से क्वेश्चन करो, जल्दी से क्वेश्चन करो आप लोग, किसको 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 करोगे, हम
क्वेश्चन है करेक्ट ऑर्डर ऑफ सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी, करेक्ट ऑर्डर ऑफ सेकेंड आयनाइज एनर्जी ए बी सी डी ऑप्शन है। ए ऑप्शन है नाइट्रोजन ऑक्सीजन फ्लोरीन और नियन, ऑक्सीजन नाइट्रोजन फ्लोरीन और नियन, नाइट्रोजन फ्लोरीन ऑक्सीजन और नियन। फोर्थ ऑप्शन है नाइट्रोजन फ्लोरीन नियन एंड ऑक्सीजन। हमको सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी पूछा है कौन सा करेक्ट ऑर्डर है, कौन सा करेक्ट ऑर्डर है फॉर सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी, फॉर सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी पता चल क्या हम पोल क्रिएट कर रहे हैं। ऑप्शन लिखो देन हम पोल क्रिएट करेंगे, आपका आंसर आना चाहिए। जल्दी से क्वेश्चन लिख लो, जल्दी से क्वेश्चन लिखो, हम पोल क्रिएट कर रहे हैं बच्चे। ठीक है, देखो सेकेंड आयनाइज एनर्जी बोला ना, क्या बोला सेकेंड आयनाइज एनर्जी। अब उतना अरे हरेक ऑप्शन मत चेक करो, हरेक ऑप्शन मस्त सॉरी मत चेक करना। तो मेरे पास एलिमेंट कौन कौन सा है, मेरे पास एलिमेंट है नाइट्रोजन ऑक्सीजन फ्लोरीन और नियन, नाइट्रोजन ऑक्सीजन फ्लोरीन और नियन। यदि फर्स्ट आयनाइज एनर्जी बोलता, फर्स्ट आयनाइज एनर्जी बोलता तो और क्या होता बताओ ना, फर्स्ट बोलता आई ई फर्स्ट। देखो तो ये सारे एक ही पीरियड में है ना, ये सारे कहां पे एक ही पीरियड में, ये सारे कहां पे एक ही पीरियड में। जब सारे एक ही पीरियड में है बोलेंगे ना नियन का क्या होगा सबसे ज्यादा बिकॉज ऑफ इनर्ट गैस, नियन का क्या होगा मैक्सिमम बिकॉज ऑफ इनर्ट गैस, बिकॉज ऑफ इनर्ट गैस। जब नियन का मैक्सिमम होगा बच्चे तो नेक्स्ट किसका होगा फ्लोरीन, नेक्स्ट किसका होगा फ्लोरीन, बिकॉज लेफ्ट टू राइट इंक्रीज करता है। देन इन ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन ज्यादा किसका होगा ऑक्सीजन, बच्चे हाफ फिल्ड 2p3 यहाँ कितना है 2p4 नाइट्रोजन हाफ फिल्ड, देन कौन होगा नाइट्रोजन, देन कौन होगा ऑक्सीजन, देन कौन होगा ऑक्सीजन। तो देखोगे कुछ तो दिख रहा है, कुछ तो दिख रहा है, मतलब ये जो ऑप्शन तो नहीं सकता है क्योंकि देखो ये फर्स्ट आयनाइज एनर्जी का ऑप्शन, देखो ना नियन ज्यादा है देन कौन है फ्लोरीन, देन कौन है नाइट्रोजन, देन कौन है ऑक्सीजन। ये जो ऑर्डर है ना ये आपको फर्स्ट आयनाइज एनर्जी का ऑर्डर है, ये किसका ऑर्डर है ये आपको फर्स्ट आयनाइज एनर्जी का ऑर्डर है। बट वी हैव टू कैलकुलेट द ऑर्डर ऑफ सेकेंड आयनाइज एनर्जी, वी हैव टू कैलकुलेट द ऑर्डर ऑफ सेकेंड आयनाइज एनर्जी। तो हम लिखते हैं फिर से नाइट्रोजन है ऑक्सीजन है फ्लोरीन है नियन है, इसका क्या था कॉन्फिगरेशन बच्चे आउटरमोस्ट 2p3 पूरा मत लिखो आउटरमोस्ट, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का लॉस आउटरमोस्ट से ही होता है। इसका 2p4 इसका 2p5 इसका 2p6 जल्दी से बोलो डाउट है नहीं चलो। अब एक का लॉस किया क्या बन गया 2p2, एक का लॉस किया क्या बन गया 2p3, एक का लॉस किया क्या बन गया 2p4, एक का लॉस किया क्या बन गया 2p5, क्या बन गया 2p5। अब देखो बहुत गजब का मेथड है, आप इस कॉन्फ़िगरेशन के रिगार्डिंग एलिमेंट को लिख लो, समझ आए समझो क्या बोले। अब बताओ ये कौन सा एलिमेंट बन चुका है 1s2 2s2 2p2 कार्बन, ये कौन सा बन चुका है नाइट्रोजन, ये कौन सा बन चुका है ऑक्सीजन, ये कौन सा बन चुका है फ्लोरीन, क्या बन चुका है फ्लोरीन। अब बताओ क्या होगा, अब ज्यादा किसका होगा अलोंग द पीरियड, अलोंग द पीरियड क्या होता है ऑर्डर, ऑर्डर क्या होता है बताओ जल्दी से। देखो ना देखो 2p3 है किसका है 2p3 है ऑक्सीजन नाइट्रोजन देन फ्लोरीन। देखो ऑक्सीजन का अब पूरा मतलब अब इतना तुम बोल ही सकते हो ना यार कि ऑक्सीजन का ना देखो ऑक्सीजन का इस दो से ज्यादा होगा, देखो ना ये 2p3 है 2p4 है 2p2 है डेफिनेटली अपने बगल ज्यादा होता ना, मतलब ऑर्डर क्या होगा नाइट्रोजन देन फ्लोरीन देन ऑक्सीजन। कहीं देखो आपको ऐसा ऑर्डर मिला चेक कर लो, पूरा नहीं चेक करता, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है मल्टीपल चॉइस का क्वेश्चन है चेक लगाओ, मतलब कहीं आपको यदि ये ऑर्डर दिख रहा है टिक मारो नाइट्रोजन फ्लोरीन देन ऑक्सीजन। देखो नाइट्रोजन ऑक्सीजन फ्लोरीन दूसरा कांसेप्ट है, नाइट्रोजन फ्लोरीन ऑक्सीजन, नाइट्रोजन फ्लोरीन ऑक्सीजन। देखो तो अब देखना दिक्कत आ रहा है यहां भी है, देखो यहां पे क्या है
यहाँ पे नियन पहले आ चुका है। देखो ऑर्डर है नाइट्रोजन फ्लूइड ऑक्सीजन, नाइट्रोजन फ्लूइड ऑक्सीजन ज्यादा है, एक नियन बीच में घुसा दिया है। क्या किया? नियन को बीच में घुसा दिया है। अब क्या बोलोगे बता ना, ये जो 2p3 है नाइट्रोजन है और ये 2p5 कौन सा है? फ्लोरीन है। जरा किसका होता है? फ्लोरीन का। जरा किसका होता है? फ्लोरीन का। नियन का ही ज्यादा होगा, नियन का ही ज्यादा होगा, ये ऑप्शन सही है। देखो जल्दी से बोलो, जल्दी से बोलो, कट आउट है इस वाले पार्ट में, इस वाले पार्ट में। तो वो सिंपल सा है, फर्स्ट पूछा सेकेंड पूछा, करो कन्फिगेशन, निकाल लो क्या ऑर्डर होगा। क्या दिमाग लगा लो, दिमाग लगाने की कोई भी रिक्वायरमेंट ही आपको नहीं है, आप तुरंत तुरंत क्वेश्चन को कर सकते हो। इट मीन्स जो सी ऑप्शन है दे आर करेक्ट फॉर सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी, दे आर करेक्ट फॉर सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी, क्योंकि जो हाफ फिल और फुली फिल्ड है उनके अपने बगल वाले से क्या होते हैं, ज्यादा हो जाते हैं। ठीक है, ओके एक क्वेश्चन करें हम आयनाइजेशन एनर्जी का, एक और क्वेश्चन करते हैं, एक और क्वेश्चन करते हैं। लिखो कैलकुलेट, सॉरी फाइंड द ऑर्डर ऑफ फर्स्ट एंड सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी, फाइंड द ऑर्डर ऑफ फर्स्ट एंड सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ कॉपर एंड जिंक, फर्स्ट एंड सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ कॉपर एंड जिंक, फर्स्ट एंड सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ कॉपर एंड जिंक, ऑफ कॉपर एंड जिंक। देखो तो डॉट कॉपर और जिंक का बोला है एनर्जी, कॉपर और जिंक का बोला है, क्या बोलोगे? तो फिर से हमको फर्स्ट बोला है और सेकेंड बोला है। फर्स्ट के लिए इलेक्ट्रॉन का लॉस कहां से? आइसोलेटेड गैसियस एटम से हम पोल क्रिएट करेंगे, इसको हम मान लिए फर्स्ट ए और ये मान लिए बी। तो आई E1 का ऑर्डर ज्यादा किसका होगा और आई E2 का ऑर्डर किसका होगा? आई E2 का ऑर्डर ज्यादा किसका होगा ए और बी में? IE1, फर्स्ट ऑफ ऑल पोल हम क्रिएट कर रहे हैं, फर्स्ट पोल हम क्रिएट करेंगे, फर्स्ट पोल दैट इज फॉर फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी, फर्स्ट किसके लिए? फॉर फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी, फॉर फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी के लिए फर्स्ट पोल है आपका। बताओ जल्दी से क्या होगा। तो फिर से क्या करेंगे, फर्स्ट के लिए कॉपर का कॉन्फिगरेशन पता है 18 कॉपर बेटे 29 होता है और जिंक कितना होता है 30, जिंक कितना होता है 30। तो क्या लिखोगे, यहां तक 18 आ चुका है, देन आपको पता होगा 4s2 यहां पे आया था, कितना हो गया 18+2 कितना 20, देन 3d9। बट जब आप इसका कॉन्फिगरेशन किए ना बच्चे, तो आपको पता होगा ना कि यहां पे थोड़ा सा एक्सेप्शन है, क्या होता है 3d10 4s1, एक्सेप्शनल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन ऑफ कॉपर एंड क्रोमियम आप लोग किए होंगे। जब आप लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किए होंगे तो उस समय आप लोग इन चीजों को भी देखे होंगे कि कॉपर और क्रोमियम में जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो थोड़ा सा एक्सेप्शनली बिहेव करता है, थोड़ा सा एक्सेप्शनली बिहेव करता है। रीजन आप लोग पता होगा, नहीं पता है तो जब हम लोग क्वेश्चन करेंगे ना किस पे, जब हम टॉपिक करेंगे दैट इज बेस्ड ऑन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो वहां पे कर लेंगे। ठीक है, और जिंक का क्या होता है? आर्गन और 3d10 4s2, ये आपको जिंक का है, वो आपको कॉपर का है। अब बताओ कॉपर में हम लोग फर्स्ट इलेक्ट्रॉन कहां से निकालेंगे? 4s1 से। जिंक में हम लोग फर्स्ट इलेक्ट्रॉन कहां से निकालेंगे? 4s2 से। जिंक में हम लोग फर्स्ट इलेक्ट्रॉन कहां से निकालेंगे? 4s2 से। बट कॉपर में फर्स्ट इलेक्ट्रॉन कहां से निकालेंगे? कॉपर में जो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन है वो बाहर कहां से जाएगा? 4s1 से। और जिंक में जो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन है बाहर कहां से जाएगा? 4s2 से। कहां से जाएगा? 4s2 से। जल्दी से बताओ निकालना कहां से डिफिकल्ट होगा, निकालना कहां से डिफिकल्ट है? अरे 4s1 4s2 4s2 फुली फिल्ड है और 4s1 हाफ फिल्ड है, हाफ फिल्ड वाले का ज्यादा होता है किससे? फुली फिल्ड वाले से। दैट इज
जो फर्स्ट आयनाइज एनर्जी है वो जिंक का अलावा किससे? कॉपर से. किससे? कॉपर से. इट मींस जो पोल था उसमें बी ज्यादा था किससे? ई से. हम पोल क्या था कि आई वन ज्यादा किसका होगा? इट मींस जो उसका ऑप्शन बी है वो करेक्ट है. जिसका ऑप्शन बी है वो करेक्ट है. अब आप लोग सेकेंड वाला क्वेश्चन खुद से करो. सेकेंड वाला क्वेश्चन खुद से करो. आई टू हम पोल क्रिएट कर रहे हैं, जल्दी से बताओ आई टू ज्यादा किसका होगा? आई टू ज्यादा किसका होगा? पोल ए आपको कॉपर के लिए है, बी आपको जिंक के लिए है. बताओ जल्दी से किसका होगा? एनी ऑर्डर, एनी गेस क्या होगा? देखो आई टू का मतलब क्या है बच्चे, बहुत बार कर चुके हैं. That is copper से copper plus गया, ये first था. Copper plus से copper two plus जाएगा, ये second होगा. जब copper एक का loss किया, इसके पास 3d10 हुआ था. It means अब जो तुम second electron निकालोगे बच्चे, वो 3d10 से निकालोगे. कहाँ से निकालोगे? 3d10 से. कहाँ से? 3d10 से. But zinc जब एक का loss किया, तो ये क्या बन गया? 4s1. जब zinc two plus से आप electron निकालोगे, sorry. तो आप 4s1 से निकाल रहे हो. कहां से निकाल रहे हो? 4s1 से. अब देखना कॉमन सेंस है बच्चे, हम तुरंत अनुच्छल के बोलेंगे कि यहाँ पे 3d10 है, यहाँ पे 3d10 है, फुली फील्ड है, इसका ज्यादा होगा, और यहाँ पे 4s1 है, इसका कम होगा. गलत कॉन्सेप्ट है. ज्यादा है बट रीजन इज डिफरेंट. डेफिनेटली कॉपर का ज्यादा है बच्चे, बट रीजन इज कंप्लीटली डिफरेंट. बताओ एक चीज, हम जब हम क्लास लगाए थे ना, तो एक चीज अभी हम बोली बात को, आयनाइजेशन एनर्जी आप तभी चेक करोगे ना कि हाफ फील्ड फुली फील्ड, जब नंबर ऑफ सेल्स कांस्टेंट. आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ फुली फील्ड और हाफ फील्ड इज मोर देन इट्स कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट एप्लीकेबल व्हेन नंबर ऑफ सेल इज रिमेंस कांस्टेंट. व्हेन नंबर ऑफ सेल इज रिमेंस कांस्टेंट. अब बताओ यहां पे थर्ड सेल में है और यहां पे फोर्थ सेल में है. थर्ड सेल का मतलब है वो न्यूक्लियस के नजदीक है, और फोर्थ सेल का मतलब वो न्यूक्लियस से दूर है. जो न्यूक्लियस के नजदीक है वहां से इलेक्ट्रॉन निकालना डिफिकल्ट होता है बिकॉज ऑफ हाई न्यूक्लियर चार्ज. जो न्यूक्लियस से दूर है, साइज बड़ा है, न्यूक्लियर चार्ज कम है, आयनाइज एनर्जी कम होगा. पता है? इट मींस थर्ड सेल फोर्थ सेल, फोर्थ सेल दैट इज बिगर साइज, थर्ड सेल दैट इज स्मॉलर साइज. इट मींस जो सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी है वो कॉपर का ज्यादा होगा किससे? जिंक से. किससे ज्यादा होगा? कॉपर का. किससे? जिंक से. क्या होगा? ज्यादा होगा. तो बच्चे ये सारे क्वेश्चंस थे मेरे फॉर सॉरी सारे क्वेश्चन थे बेस्ड ऑन आयनाइजेशन एनर्जी, बेस्ड ऑन आयनाइजेशन एनर्जी. तो इन टाइप्स के क्वेश्चंस में आपको प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए. फर्स्ट है, सेकेंड है, हाफ फील्ड फुली फील्ड, कहाँ पे एक्सेप्शंस है, इन सारे पॉइंट में आपको डाउट नहीं होना चाहिए. ठीक है, तो आज वाले क्लास में हम यहीं तक स्टॉप करते हैं. नेक्स्ट क्लास में जैसा कि मैंने आपको बोला है कि हम लोग कॉन्फिगरेशन करेंगे डेफिनेटली करेंगे. बट अपार्ट फ्रॉम दैट ना, जो मेरा यहाँ पे तीन टॉपिक छूट गया अभी, दैट इज इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी, एंड हम एक और टॉपिक करेंगे नेचर ऑफ ऑक्साइड. ओके, ना मेटलिक एंड नॉन मेटलिक, इस पर भी कुछ क्वेश्चंस करेंगे. दैट इज ऑन नेक्स्ट लेक्चर, दैट इज ऑन नेक्स्ट लेक्चर. देन आपका ये टॉपिक कंप्लीटली खत्म हो जाएगा. कोई किसी भी तरह के क्वेश्चंस आपके नहीं रह जाएंगे आफ्टर कंप्लीटिंग दैट टॉपिक व्हिच इज शेड्यूल ऑन नेक्स्ट क्लास. शेड्यूल ऑन नेक्स्ट क्लास. तो आपको है ना, आई थिंक तब कोई आपको प्रॉब्लम नहीं होगा. जो बच्चे क्वेश्चंस किए हम, प्रैक्टिस करो, अच्छे से प्रैक्टिस करो ताकि आपके है ना कॉन्सेप्ट क्लियर हो, ताकि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो, कोई प्रॉब्लम आपका नहीं रह जाए. असाइनमेंट भी मिलेगा आपको बोर्ड लेवल कम्प्लीटली है ना, डिजाइन होगी बोर्ड लेवल के लिए, तो भी आपको सबमिट करना है. आपको है ना असाइनमेंट पे सबमिशन डेट मिल जाएगा कब सबमिट करना है, एक प्रॉपर फॉर्मेट में सबमिट करना है, वो आपको बता दिया जाएगा किस फॉर्मेट में सबमिट करना है. ओके, थैंक यू.